हाय एवरीवन, मैं हूँ अंजलि। कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ काला कंद स्वीट की रेसिपी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जो कि हलवाई लोग यूज करते हैं ताकि पहली बार में ही उनका काला कंद काफ़ी परफेक्ट बन के तैयार होता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनका काला कंद टूटने लगता है, पर इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका काला कंद बिल्कुल टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 500 ग्राम के करीब में पनीर लिया है। पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि पनीर हम हमेशा मलाई पनीर ही लेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पनीर लेंगे वही काला कंद टूटता है। तो बस कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से फ्रेंड्स हमारा यही फायदा होता है कि जो हम पनीर इसमें फ्राई करेंगे पनीर के अंदर का सारा खट्टापन दूर हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट पनीर बनके तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाएंगे। हम पनीर को कलछी के सहारे अच्छे से स्मैश करते हुए भूज लेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसके अंदर थोड़ी भी गिठली है वो बहुत अच्छे से निकल जाए। पनीर को कम से कम हम 5 से 7 मिनट तक भूजेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसके अंदर का सारा मॉइस्चर बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं पनीर का हमारा बिल्कुल अच्छे से टुकड़े और इसके सारे मॉइस्चर निकल गए हैं। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने होम मिल्क मेड यूज किया है। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने होम मेड यूज किया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स। बिल्कुल इजी तरीके से ये बन के तैयार होता है। तो बस यहाँ पे 500 ग्राम के करीब में हमने पनीर लिया है। तो 150 से 200 ग्राम के करीब में यहाँ पे हमने मिल्क मेड यूज किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्वीट ज़्यादा पसंद है तो मिल्क मेड की मात्रा थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, पर 150 से 200 ग्राम में बहुत परफेक्ट हमारा काला कंद बन के तैयार होता है। अभी इसे हम गैस के फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और मीडियम लो पे हम इसे बिल्कुल मावा होने तक इसे कुक करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो काला कंद है बहुत अच्छे टेक्सचर के साथ बन के तैयार हो। तो बस इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई में लेयर जो नीचे है वो जल जाएगा। तो बस इसे हम चलाते चलाते इसके अंदर का जो भी गुठलिया है उसे निकालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है इलायची पाउडर का। तो बस इसे अब हम कंटिन्यू चलाएंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये गाढ़ी हो रही है। बहुत अच्छे से जब गाढ़ी हो जाए, जब सेट हो जाए, जैसे कि खोआ या मावा सेट हो जाता है, तब तक इसे हम कुक करते रहेंगे और अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये स्वीट काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और ये मार्केट में काफ़ी महंगे भी बिकते हैं। आप चाहे तो इसे सिर्फ 2 से 3 सामग्री से कम टाइम में सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहली बार में ही परफेक्ट बना सकते हैं और 30 त्यौहार में अपने घर वाले लोगों को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे स्वीट की रेसिपी हमने अपने चैनल पे सेंड किया है फ्रेंड्स, और काफ़ी कम से कम टाइम में बनने वाले सारे स्वीट की रेसिपी है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और कभी भी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो बस देखिए, इसकी टेक्सचर काफ़ी गाढ़ी हो गई है, जैसे लग रहा है कि ये मावा है। तो बस अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे हम चौड़े सेप के बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि बर्फ़ी को हमें स्क्वायर शेप देना है फ्रेंड्स। तो अगर हम स्क्वायर शेप में इसे निकालेंगे तो काटने में काफ़ी इजी होगा। इसमें हमने बटर पेपर यूज किया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, क्योंकि आप हल्का सा घी ग्रीस कर लेंगे, बहुत अच्छे से काला कंद आपका तैयार होगा, बिल्कुल टूटेगा नहीं फ्रेंड्स। हमें बस मलाई पनीर लेना है और हमें नॉर्मल पनीर बिल्कुल नहीं लेना है फ्रेंड्स, और घी में हल्का सा फ्राई करना है। बिल्कुल काला कंद काफ़ी स्वादिष्ट और बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप दे दिया है। इसे अब हम थोड़ा ड्राई फ्रूट से सजाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसमें हम नहीं लेंगे, सिर्फ कटा हुआ थोड़ा पिस्ता लेंगे, क्योंकि पिस्ते से इसकी गार्निशिंग बहुत ही खूबसूरत दिखता है फ्रेंड्स। तो बस इसकी गार्निशिंग भी हो गया है। इसे अब हम
एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। तो बस एक घंटा हमारा पूरा हो गया है। एक घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि कालाकंद पूरी तरह से सेट हो गया है फ्रेंड्स। इसे अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे निकाल लेंगे और इसे अब हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप ट्राई करिएगा, आपकी पहली बार में ही कालाकंद बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो बस इसे हमने यहाँ पे कट कर लिया है और कट करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही परफेक्ट हमारा कालाकंद बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने जिगजैग चाकू यूज किया है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कालाकंद हमारा तैयार हो गया है। जब तक इस रेसिपी को आप इंजॉय करिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ नया और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके आने वाली हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि।